काम करती थी कि वो पूरी तरह मरे नहीं, ये कैसे कह रही हूँ, पर सब मारे गए। मुश्किल तो ये थी कि हादसे के लिए जिम्मेदार थे वो कहीं जा छिपे, और उस खतरनाक टीआर की शुरुआत थी जो पूरी कायनात को खत्म करने वाला था, जो लोग के साथ महफूज थे पर वो गलत थे। टीवायरस के साथ अपना काम करते रहे, उन्हें लगा कि वो अपने हाईटेक किले में महफूज। चार साल बाद एक अधमरी औरत को खत्म कर दिया मध्य शिबिया में। बढ़िया निशाना था, तुमने एक निशाना लगाया है, मैंने तीन निशाने लगाए। पक्का तोशी, तुम ठीक तो? निशाने लगाए तो क्या हुआ, अभी तो रात जवा है, अभी भी कई निशाने हैं, लगा जवाब दो। तोशी कहाँ हो तुम? तोशी जवाब दो। जवाब दीजिए, हमारा उसके साथ संपर्क। चेयरमैन वेस्कर, खबर दो सर, उसके साथ संपर्क टूट गया है। कितने मारे गए? सब के सब। और तुम ये? आधा घंटा पहले अपने दल के कुछ सदस्यों से हमारा संपर्क टूटने लगा था, अभी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। गेट नंबर 4 से मेरी बात करवाओ। तुम ये मुझे आधे घंटे बाद बता रहे हो? हमें लगा कि मशीन में कुछ खराबी है। मैं आप चेयरमैन वेस्कर बोल रहा हूँ सर, वहाँ का हाल बताओ। जी सर। ओटाका, कुछ हलचल दिख रही है? यहाँ हर तरफ खामोशी है। उस पेट ये नजर आ रहे हैं, निशाने पहचानो। रिपीट, निशाने पहचानो। सर, सावधान, हम पर हमला हुआ है। कई लक्ष्य हैं। गेट नंबर 4। अचानक चलने लगी, मुझे मेन गेट पर सिक्योरिटी देना चाहिए फौरन। Thank you.
चाहते हैं क्या? औरतों से इस तरह से पेश आते हैं? कोई यहाँ घुस आया है, घुसपैठ हुई है। सिक्योरिटी से कहो कि मेन गेट को पूरी तरह नर्व गैस से ढक दे। सेक्टर 1 से 5, 7 और 8 में घुसपैठी आ गए हैं। सेक्टर और किसी को कोई सवाल पूछना है? अपनी अपनी जगह पर रहो। सेक्टर 10 और 11 में गोली चलने की खबर है। सील कर दो सारे अंदर के धमाके के दरवाजे और मुझे सुरक्षा के सभी कड़े नियम लागू कर दो। सारी लिफ्ट्स बंद कर दो। देर नहीं है।
स्थिर नहीं है, स्थिर। ऑपरेशन ने तुम्हारे अंदर जो टी वायरस डाला था वो तुम्हारे शरीर के टी सेल्स को बेअसर कर रहा है। करना पड़ेगा। उसे हम वापस ले रहे हैं, तो हमारे किसी काम नहीं आई, इसलिए तुम्हें करते हुए यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा और बचाव खाना और ठिकान। ये है आर्केडिया इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण। आर्केडिया इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण करते हुए यहाँ कोई खाना और ठिकाना मुहैया कराते। ये है कुछ लोग हेलीकॉप्टर से महफूज जगह पहुँच गए, वो अलास्का के आर्केडिया शहर। जब मैं अम्ब्रेला से बदला ले रही थी तब बचे हुए रहने की जगह के साथ साथ वो खाना पीना और सुरक्षा का दावा कर रहे थे। शहर की तरफ जा रहे थे, हमें वहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन्स भी मिले थे। एक ऐसी जगह जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था। एक 177 दिन बीत गए बिना किसी जीव को देखे। इस वक्त 3 मई शाम 4 बजे 1.58 डिग्री पश्चिम पर हूँ। आर्केडिया की क्रमांक 58.37 डिग्री उत्तर 134.... काश क्लेयर और बाकी सब पहुंच गए हों क्रमांकों के काफी नजदीक। फिर भी किसी मैप पर उसका नामो निशान नहीं।
ख्याल रखना। गुड लक। तुम नहीं चलोगी। गुड लक केम आउट। ऐसी कोई जगह है ही नहीं। 3 मई शाम 7:30 बजे और एक बीच पर हम सभी ने सिर्फ एक मैदान और एक बीच। कोई तो है जो इन सब लोगों को यहाँ ले। हम सभी ने वो ट्रांसमिशन सुने थे। किसी ने तो वो भेजे होंगे। और वो गए कहाँ? पर किस लिए 177वां दिन अब खत्म? तब मैं ये कर पाऊंगी अगर मैं आखिरी हुई तो। पता नहीं और कब तक मैं ये कर। इन सारे टेप्स को देखने वाला कोई नहीं। पर मैं आखिरी हुई तो अगर कोई और नहीं बचा तो सबको होने देने के लिए तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? हम 1.5 साल पहले नेवाडा डेजर्ट में मिले थे। इससे कुछ याद आ रहा है? मेरा नाम एलिस है। एलजी। हम 1.5 साल केम आउट। तुम बचे। माइकी, कार्लोस, एलजी, आर्केडिया, कुछ याद आया? तुम बचे हुए लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर से अलास्का चली आई थी। आर्केडिया, कुछ याद आया? Thank you.
इंडिया में प्रिंस रूपर्ट उसके बाद सैन फ्रांसिस्को रूपर्ट के लिए रास्ता तय कर रही हूँ मैं वैंकूवर से होके सियाटल पर उतरूंगी मेरा मुसाफिर तो और फिर बाकी के पश्चिमी तट मुझे जो कुछ भी थी उसके अंदर एक दवा डालती जा रही थी तो पक पक चले जा रहा है वो चीज जो कुछ भी काशिश का असर हमेशा के लिए ना हो जिससे उसकी याददाश्त चली गई नहीं तो पहले हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए अब तो मेरे हाथ तुम खोल सकती हो पहले जानता था संभल के बैठे रहना
रिलैक्स, बस कोई पागलपन नहीं करना। जल्दी करो टीम, जल्दी करो, कोशिश करो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये क्लेयर है। लूथर वेस्ट। हाय, मेरा नाम बस बस बहुत हुआ ये मिलना जुलना, तो तुम हमारी मदद। तुमने क्या कहा? तुम आर्केडिया से हो। आर्केडिया के बारे में तुम क्या जानती हो? उन्होंने कहा था वो हमारी मदद, तुम हमारी मदद करने आई हो। हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। तुम आर्केडिया से हो? तुमने क्या कहा? उन्होंने तुम्हें भेजा है ना? वहाँ और भी कई बचे हुए लोग हैं जो सुरक्षित हैं। जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं, हमें बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे क्या वहाँ तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं? सिर्फ हम हैं। सॉरी। इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम हम सबकी जान बचाओगे। एंजल और डेस काफी अच्छा बुरा मत मानना। ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये लोग सोच रहे थे तुम हम सबकी लेती हो। थैंक्स। अभी जान बाकी है। पता है? प्लेन सही सलामत तो है ना? मैं जानती हूँ अभी। हाँ, लोग अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। कुछ खास नहीं। नहीं? ओ, लोग अक्सर मुझे यही कहते हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। बास्केटबॉल पसंद है। दिलचस्पी हो? तो फिर हो सकता है कि तुम्हें घड़ियों में दिलचस्पी। यहाँ का सुपरस्टार। तो आर्केडिया के बारे में बताओ। हाँ, लूथर है हमारे यहाँ का। एक हफ्ते से हमें उनके प्रसारण सुनाई दे रहे हैं। खाना और रहना। क्या जानते हो तुम लोग? वही जो उनके ट्रांसमिशन में सुना। उनका ध्यान खींचने के लिए हम कई दिनों से रोशनी के सिग्नल छोड़ना और रहना, सुरक्षा और निगरानी। कोई इन्फेक्शन नहीं। हमें लगा उन्होंने तुम्हें अलास्का से सिग्नल कौन देखेगा? अलास्का? अलास्का सिग्नल छोड़ रहे थे। अलास्का मेरे ख्याल से शहर है। मुझे ऐसा नहीं लगा। आर्केडिया मैं वहां जा चुकी हूँ। वो अलास्का में एक शहर है। देखो खुद ही देख लो। क्या देखो? वो कोई शहर नहीं है। देखा, ये रेडियो से रिकॉर्ड किया था। ये है आर्केडिया, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण जहाज है। मैंने ये रेडियो से ठिकाना मुहैया करा दे। यही मैसेज हमने सुना था। वो बचे हुए लोगों को लेकर प्रसारण करते हुए यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा और बचाव खाना और ये कैसे आपको लेकर समुद्र किनारे से गए होंगे? ये है आर्केडिया, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण। उसके बाद सब बंद हो गया। Thank you.
पता नहीं, ये उनकी तरफ से आखिरी प्रश्न छोड़ रहे हैं, इसलिए जब तुम आई तो हमें लगा कि उन्होंने तुम्हें भेजा है। ये दो दिन पहले की बात है, हम हर घंटे रोशनी के सिग्नल छोड़ रहे हैं। घर में तुम्हारा स्वागत है, सेल ब्लॉक बी में। क्रिस्टल हमारी बावर्ची। सॉरी, मैं अच्छी खबर नहीं लाई। निराश होने की आदत डालो। बावर्ची है, तरह तरह के पकवान ना सही पर जो बनाती है कमाल का होता है। मैं बनने आई थी फिल्म की हीरोइन, पर बन गई मामूली वेट्रेस। किसका इंतजार? मेरा एजेंट यही कहा करता था। थैंक यू। किसका इंतजार है? एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। थैंक यू। अरे जाओ यहाँ से। थैंक यू। इसकी प्रॉब्लम क्या है? महामारी के पहले ये फिल्मों का प्रोड्यूसर रह चुका है। हमारी फिल्म लाइन में ऐसे बदतमीज बहुत मिलेंगे। किम यंग उसका असिस्टेंट हुआ करता था, आज भी उसी की। साला अपने आप को 30 मार खा समझता है। हद से ज्यादा बिगड़ गए तब हमने जेल में पनाह लिया। करने के लिए वक्त है और उन चीजों को बाहर रोक पाएंगे। जब तक हम यहां पहुंचते सोचा था इसकी दीवारें सबसे ज्यादा बड़ी और मजबूत होंगी। वैसे देखा जाए तो जब लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, यहां पहुंचते गार्ड्स और कैदियों पर उसका असर हो चुका था। हमें लगा यह जगह खाली है, फिर असलियत सामने आई। तब किसी को कैद रखने का कोई मतलब नहीं था। हमें लगा ये वेंडल, तुम कुछ देर आराम। मुझे दीवारों से हलचल सुनाई देती है। तुम कुछ देर आराम कर लो। आराम तो मैं करूंगा ही, मुझे इस जगह से सख्त नफरत है। आओ चलो, तो चलो देखते हैं।
एड्रेस। ये तुम कैसे जानते हो? तुम ही वो प्लेन उड़ा रही थी। अच्छा तुम आ गई, अब तुम ही इन्हें कुछ समझो। सिर्फ वेंडल ही नहीं जैसे आवाजें सुनाई देती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं आया? कुछ समझा बुझा सकती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। समझ नहीं आ रहा, मैं कैदी नहीं हूँ। के साथ काम कर रहा था, हम इस जगह को एक मचान की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मैं एक फौजी दस्ते के साथ काम मिला कि सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए। असल में हम चाहते थे कि हालात पहले ही खराब थे जब हमें गवर्नर का आदेश मिला कि फिर भगदड़ मच गई। हमने चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और उन चीजों का सामना करने लगा कि मैं एक गार्ड हूं। जब मेरी आंख खुली, मेरी टुकड़ी जा चुका ही रहे थे कि कैदियों के एक दल ने मुझ पर हमला कर दिया। शायद उन्हें लगा कि एक मजाक था। तुम्हें यकीन नहीं हो रही थी और मैं यहां था। मैं उनके लिए बाकी सब करते हैं। तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा। तसल्ली हो गई? तुम्हें कुछ मिला? हम सब यहाँ किसी न किसी तरह कैद हैं। जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता। कुछ मिला? नहीं। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, यहाँ से निकालूंगा। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे यहाँ से निकालो, मैं भी तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं वो कुछ नहीं बकेगा और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये जो कह रहा है उसकी तहकीकात की है। बाहर के रास्ते आता है। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? मैं लोगों को परख सकता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वो आदमी खूनी है। अच्छा। उसकी आंखों में नजर आता है। तुम्हें क्या लगता है? तो बताओ, मेरी आंखों में देखकर तुम्हें क्या? ये सब? ओ, तुम्हें भला इन सिक्कों का क्या काम है? मुसीबत में काम आता है। ठीक है, खैर अब तुमसे सुबह मुलाकात होगी। शौक है मेरा। शौक है? वहां तुम्हारे दोस्त हैं? डेक पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। याद नहीं है तुम्हें? मुझे याद आ रहा, हाँ शायद, लेकिन अब भी धुंधला सा। मुझे याद आ रहा है, धीरे धीरे हमें वहां पहुंचना ही होगा। इतना सब होने के बावजूद पानी आ रहा है। क्या करते हैं?
हमसे जो हो सके हम करते हैं, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ठंडा है। बस गर्म पानी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बाहर ही हूँ। थैंक यू। तो अब मुझे चलना चाहिए। बेहतर होगा। मैं बाहर। कुछ नहीं, मैं तो बस निकलो यहाँ से। गोली मत चलाना, मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गोली मत चलाना, मैं तो बस जा ही रहा था। समझ गए, कोई नहीं आ रहा, हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। यहाँ से निकलना ही होगा। आर्केडिया जरूर बचाएगा हमें। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। और हम सब यहाँ से एक साथ निकलेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा। जान बचानी होगी। तुम्हारे पास जो ये प्लेन है उसमें सब नहीं आ सकते। वेल, हम निकल जाएंगे, वो हमें जाने देंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बहुत हो। और हम ये करेंगे कैसे? यूं ही यहाँ से निकल। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास इसके अलावा? वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये छूट जाए। ठीक है, वो खतरनाक है। क्रिस्टल, तुम्हें क्या लगता है बताओ? मेरा मतलब तुम तो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। शायद हो सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये क्या पागलपन है? क्रिस्टल, क्रिस्टल का रास्ता पता है तो इसे मौका देना चाहिए। तो ठीक है, शायद हो सकती है। एंजल ठीक कह रहा है, अगर इसे बाहर निकलने का रास्ता। गलती कर रहे हो, एक बहुत बड़ी गलती। तुम उस पर पूरी निगरानी। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम लोग गलत निगरानी रखना। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। बहुत हो गया, निकले यहां से। आगे की सोचे। जेल ने इसे रखा था
अमेरिका की भारी दंगों में काम आ सके। 16 पहिए, उन दरवाजों के पीछे एक यूटीवी है। अब उन क्लासिफिकेशन वेक 10 टन का वजन है। इसे शान से चलाएंगे। 16 पहिए, स्टील की प्लेट, पानी की तोप, इसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। किनारे पहुँचते ही हमें किसी नाव में बैठ कर जाना पड़ेगा। कुचलते हुए निकल जाएंगे। ताला जाम हो गया है। पर इसे काटना था। हम तहखाने में हथियार रखते थे और हर तरह के हथियार मौजूद। हमें कुछ और बंदूकों की जरूरत पड़ेगी। मैं दिलवा सकता हूँ। जब मैं यहाँ तैनात था, क्योंकि आखिर में बंदूकें ज्यादा थी उन्होंने इस्तेमाल करने वाले का। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे साथी वो हथियार अपने साथ नहीं ले गए?
बढ़िया। उसके अंदर फिट करोगे? तुम इस चीज को ठीक कर सकते हो? क्या है ये? तुम्हें क्या लगता है क्या है ये? अब ये मत कहना, बताता हूँ। मुझे उसके लिए एक हफ्ता लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? बेनेट, ये क्या किया?
मैं आगे चलता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे रहूं। तक जाती है नालियां बरसाती नालों, और बरसाती नाले समंदर तक जाते हैं। चलता हूँ। मुझसे ये नहीं होगा। कर सकते हो, अब तुम्हारी बारी है। चलो, thank you.
पता था तुम पहुंच जाओगे। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है बेनेट पहुंच गया। चलो अंदर देखते हैं। जल्दी में निकले। कोई नहीं। मैंने क्रू के कमरे भी देख लिए, वो सब चले गए। यहाँ कोई इंफेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा और बचाव, खाना और ठिकाना मुहैया करा दें। ये है आर्केडिया, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण करते हुए। यहाँ कोई चल रहा है। देखो, ये जहाज का रजिस्टर है। ईंधन, पावर, सब तो ठीक ठाक है। पर यहाँ तो लिखा है कि अभी जहाज पर 2000 लोग बचे हुए। क्रू ने 3 दिन पहले लाइफ बोट छोड़ी थी। ठीक उसी वक्त जब ट्रांसमिशन्स बंद हो गए। हमें इस जहाज वो यही कही है। हमें इस जहाज का कोना कोना छानना पड़ेगा।
पैरों के नीचे है। रखा गया है। ये देखो, जो लोग बच गए हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें कैद करके रखा गया है। उन्हें ऊपर लाओ, सबको। के मार्ट वो भी यहाँ है। शांत हो जाओ, केमार्ट, सब ठीक हो जाएगा। केमार्ट, इस वक्त हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लाओ इसे, निकालने दो मुझे। सब ठीक हो जाएगा। मैं इसके शरीर से ये निकाल देती हूँ, तुम बाकी सबको बाहर निकालो। देखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें देखकर मुझे हमारे सैटेलाइट सिस्टम ने आसानी से तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम्हें देखकर मुझे हैरानी नहीं हो रही है। तुम्हें ढूंढना जरा भी मुश्किल नहीं था। मुझे पता था कि तुम अपने दोस्तों को बचाने जरूर आओगी। और वैसे भी आजकल ज्यादा इंसान बचे नहीं। वैसे भी रुको, वफादारी जिसमें कोई दम नहीं। मैं नहीं चाहता तो मेरे जानवरों को नुकसान पहुंचा। रुको, बैठो। अपनी बंदूकें फेंक दो। मेरी तरफ फेंको। शुक्रिया। मेरी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं तुम्हारे खुश हूं। टी वायरस ने मुझे जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को बदसूरत करने का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पर वो बहुत तेज है, मेरे ऊपर हावी होने लगा। इंसानी डीएनए मेरे अंदर जाए तो बैलेंस ठीक हो सकता है, हावी होने लगता है।
मैंने सोचा अगर ताजा इंसान अब मेरे माथा तक नया बंदा है और एक ओह तभी तुम्हारे लोग जहाज छोड़कर भाग गए। कोई अच्छी तरह गोल मिल गई थी। तुम्हारा डीएनए औरों से ज्यादा ताकत और एक नया प्लान है। एक तुम ही थी जो टी वायरस के साथ कंट्रोल मेरे हाथ रहेगा। ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें निकल लूं तो कंट्रोल एक प्रॉब्लम है। रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। सोच तो बड़ी समझदारी की है पर इस प्लान में सिर्फ एक और वो क्या है? मुझे निकलना नामुमकिन है।
पछताओगे। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात सुनो, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। मैं कह रहा हूँ तुम लोग बहुत पछताओगे सालों कुत्तों कमीनों में होगे सब के सब। तुम लोग पछताओगे सब। समझे कमीनो, स्पोर्ट्समैन के आगे तुम कुछ भी नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने सारे बच जाएंगे। ये करिश्मा है। तो अब क्या प्लान है? इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण करते हुए उस वादे को पूरा करते हैं। 34.05 डिग्रीज उत्तर, यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। करते हुए लोकेशन 118.30 डिग्रीज पश्चिम, सुरक्षा और निगरानी के साथ रहने की जगह और खाना दे सकते हैं। अगर आप रिपीट, कोई इन्फेक्शन नहीं है, हम सुरक्षा और लेते हैं। अगर आप जिंदा हैं, हम आपकी मदद करें। अब भी Yes.
अपने दल का ख्याल रखें, किसी को कैदी मत बनाओ। सीधा टी माइनस पहुंचने में 57 सेकंड, जहां पर उनमें अम्ब्रेला के भगोड़े और आला दुश्मन क्लेयर रिड, सीधा गोली मार दो। कुल कितने दुश्मन है पता नहीं, पर इसीलिए साथियों यहाँ तुम्हारा जो भी इंतजार कर रहा है क्रिस रेडफील्ड और प्रोजेक्ट एलिस भी है। ये लड़ाई होगी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई रहा है, एक बात समझ लो, ये लड़ाई होगी।
पेश आते हैं क्या? हे बॉयज, औरतों के साथ इस तरह पेश आते हैं?